एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने अपने चैनल के एशिया ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, डिस्टिलेशन की बात चल रही थी। डिस्टिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फार्मास्यूटिक्स का, और डी फॉर्म या बी फॉर्म से रिलेटेड किसी भी जितने भी आप एग्ज़ाम देते हैं, किसी कंपटीशन बेसिस पे, एंट्रेंस बेसिस पे या फिर एग्ज़ाम बेसिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, आप में ये क्वेश्चन इसमें से बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो डिस्टिलेशन का ये दूसरा पार्ट लेकर आपके सामने आया हूँ। पहला पार्ट में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, दूसरे पार्ट में आज फिर डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं, उठाइए पेन और पेपर और लिखना शुरू कीजिएगा। क्वेश्चन पहला है आपके सामने स्क्रीन पे, एक सिंपल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है बताइए, आपको सही ऑप्शन देना है। एंड द प्रोसेस नंबर ए ऑप्शन इज करेक्ट, बैच प्रोसेस। टू, द कॉलम यूज फॉर डिफरेंशियल डिस्टिलेशन इज, कॉलम यूज फॉर डिफरेंशियल डिस्टिलेशन इज ऑप्शन नंबर ए स्टील। द इक्वेशन एप्लीकेबल फॉर बैच डिस्टिलेशन इज, द इक्वेशन एप्लीकेबल फॉर बैच डिस्टिलेशन इज द राइट ऑप्शन इज, दिस इज द रेलिक इक्वेशन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फोर, इन स्टीम डिस्टिलेशन द लिक्विड बॉयल्स व्हेन द सम ऑफ वेपर प्रेशर ड्यू टू ऑर्गेनिक लिक्विड एंड ड्यू टू वाटर बिकम्स, ठीक है, आपको बताएं कब प्रेशर बॉयलिंग कब शुरू होती है। आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाते हैं तो होता है, आपको सही ऑप्शन चूज करना है, बता दिया मैंने ऑलरेडी पहले ही। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फाइव, द ऑर्गेनिक लिक्विड इन स्टीम डिस्टिलेशन वेपराइजेस एट, द ऑर्गेनिक लिक्विड इन स्टीम डिस्टिलेशन वेपराइजेस एट एंड द राइट ऑप्शन इज ए लोअर टेम्परेचर दैन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सिक्स, द बिट्स आर प्रोवाइडेड इन फ्रैक्शनल कॉलम फॉर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वेपर्स टू कंडेंस। सेवन, द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टू स्टेप्स। द पॉइंट वेयर द ओपनिंग ऑपरेटिंग लाइन एंड द इक्विलिब्रियम लाइन मीट्स इन डिस्टिलेशन मेथड इज नोन एज, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज पिंच पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाइन, इफ द फीड इंटर्स द डिस्टिलेशन कॉलम एट इट्स ड्यू पॉइंट देन द स्लोप ऑफ द फ्लैश वेपराइजर ऑपरेटिंग लाइन इज, एंड द राइट ऑप्शन इज जीरो, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। टेन, डिस्टिलेट फ्लो रेट, फ्लो रेट इस इज अलग है फ्लो और रेट, डी इज यूज टू कंट्रोल द लेवल इन, एंड द राइट ऑप्शन इज डी कंडेंसर ड्रम। इलेवन, द बिलो इक्वेशन होल्ड्स वेल फॉर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सिंपल डिस्टिलेशन। ट्वेल्व, व्हाट इज ट्रू अबाउट डिस्टिल्ड वाटर, एंड द राइट ऑप्शन इज बी, इट इज वेरी प्योर वाटर। थर्टीन, क्रिस्टलाइजेशन इवेपरेशन एंड डिस्टिलेशन इज अ मीन ऑफ सेपरेटिंग, थर्टीन एंड द राइट ऑप्शन इज ए सोल्युबल सब्सटेंस इन सोल्यूशन। फोर्टीन, द लोकल ऑफ कंपोजिशन दैट कैन नॉट बी क्रॉस बाय द गिवन डिस्टिलेशन प्रोसेस इज कॉल्ड, रीड ऑल द ऑप्शन वेरी केयरफुली, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डिस्टिलेशन बाउंड्री। फिफ्टीन, द फ्यूड इज डायरेक्टली पास्ड टू द फ्लैश वेपराइजेशन कॉलम, इट इज ट्रू और फॉल्स, एग्जैक्टली इट इज फॉल्स, वी कैन नॉट यूज इन डायरेक्टली, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिक्सटीन, द रेजिड्यू इन द राउंड बॉटम फ्लास्क इज, दिस इज द रेजिड्यू, बसता है जो नीचे, मतलब वो वोलेटाइल नहीं हो पा रहा है, मींस इट इज द नॉन वोलेटाइल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 17, आफ्टर द सेपरेशन बाई डिफरेंशियल डिस्टिलेशन द हाई वोलेटाइल एंड लो वोलेटाइल कंपोनेंट्स आर स्टोर्ड, 17 एंड द राइट ऑप्शन इज बी कट्स। 18, रेक्टिफाइंग कॉन्टिन्यूसली इज नोन एज दिस इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर बी फ्रैक्शनेशन। 19, व्हाट हैपेंस टू द लिक्विड आफ्टर प्री हीटिंग व्हेन एंटर्स टू द साइक्लोनिक फ्लैश ड्रम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्प्लिट विद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। 20, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट सब्सटेंस विच आर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विथ वाटर। 21, विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज कलेक्टेड इन राउंड बॉटम फ्लास्क आफ्टर पासिंग थ्रू अ स्टीम जनरेटर, रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली बाय पॉजिंग द वीडियो, यस एंड द राइट ऑप्शन इज डी मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड स्टीम। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट पॉसेस्ड बाय द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ वाटर,
ठीक है, एंड द राइट आंसर इज इट इज बी, इट इज लेस वोलेटाइल देन वाटर. 23, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्टिलेशन बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ. एंड द राइट ऑप्शन इज ए, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. 24, द प्योर सॉल्वेंट आफ्टर द डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन कैन नॉट बी यूज अगेन फॉर द एक्सट्रैक्शन. एंड द राइट ऑप्शन इज बी, फॉल्स. 25, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम एयर यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ऑप्शन नंबर सी इज हीलियम, दिस इज इनर्ट गैस. 26, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज कर लीजिए आप लोग. एंड द राइट ऑप्शन इज फ्रेंड बी, द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स आर अवेलेबल अकॉर्डिंग टू वन फिक्स्ड स्टैंडर्ड. 27, सेपरेटिंग अ मिक्सचर बॉइलिंग एजियोट्रॉफ यूजिंग अ लाइट इंट्रेनर द प्रोसेस इज रिफर्ड टू एज. एंड द राइट ऑप्शन इज ए, री एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन. 28, इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ एट द टॉप ऑफ द कॉलम इज देन इट्स बॉटम. कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा यहाँ पे? 28, यस राइट द ऑप्शन इज बी, लेसर. 29, फाइंड द एक्स एंड वाई फ्रॉम द फ्लैश कॉलम गिवन ब्लो. एक्स वाई में आपको बताना क्या क्या हो रखा जाएगा इसके हिसाब से, इस फिगर के हिसाब से. 29, एंड द राइट ऑप्शन इज ए, एक्स मोर वोलेटाइल है और वाई क्या है, लेस वोलेटाइल. देखिए एक्स जो है आपका ऊपर है जल्दी वोलेटाइल हो रहा है, मोर वोलेटाइल, और लेस जो है लो है वो नीचे रहेगा. 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपर लेयर इन द डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन. सबसे अपर लेयर कौन सा होता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में, एंड चूज योर राइट ऑप्शन. एंड दिस इज द राइट ऑप्शन इज ए, सॉल्वेंट लेयर. ठीक है, ये आपके रहे आंसर. और ये है मिस्टर आकाश मौर्य वाराणसी से, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, इनके क्वेश्चन कलेक्शन बहुत ही अच्छे होते हैं. आकाश जी थैंक यू सो मच. ये MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से हैं. और अगर आप भी चाहते हैं हमें MCQs भेजना सब्जेक्ट वाइज, तो हमें आप रजिस्टर कर सकते हैं जाके gpat.kclfollowsy.com के साथ रजिस्टर करिए. और अगर आप चाहें आसानी से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद. और अगर आप मुझसे कुछ चैट करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर या यूट्यूब या फेसबुक पे इस IDs के साथ, और आप मुझसे चैट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय.